Hello all, welcome to Alicia Academy. This is your educator Shreya Jha और आज से हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. सो हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि 25 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिससे जो है आप हायर एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा जो एरियाज है कवर कर सकते हैं और जो एरियाज भी उसमें रिमेनिंग रह जाते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू. तो ये इस वीडियो को जो है आप एक टेस्ट की तरह लेंगे और आपको जो है जैसे 20 क्वेश्चंस हैं हर एक सेट में जो है पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके आपको इसमें जो है एडिशंस मिलते जाएंगे और आपको 20 क्वेश्चन हर एक सेट में मिलेंगे जिसको जो है आपको एक टेस्ट की तरह देना है और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. ज़्यादातर वीडियोस में कैसा है कि आप कमेंट नहीं कर पाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वन साइडेड इंटरेक्शन हो रहा है. तो जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे जितना ज़्यादा अपना स्कोर बताएंगे उतना ज़्यादा जो है हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ला सकते हैं. पेपर वन के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे. फिलहाल पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की है तो 25 प्लस वीडियोज आपको कॉन्सेप्ट के मिल जाएंगे हायर एजुकेशन के. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, एक और चीज, यहाँ पे हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं डिस्कस करेंगे, केवल 20 क्वेश्चंस एज अ टेस्ट लेंगे. मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको उसको वीडियो को पॉज करना है, उसका आंसर खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर मैं आंसर दूंगी आपके सामने में, आपको मैच करना है और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है आपको रिस्पेक्टिव वीडियोज देना पड़ेगा. जैसे कि ये पूरी सीरीज है एंशियंट इंडिया के ऊपर, तो एंशियंट इंडिया के जितने भी वीडियोज हैं आपको मैं प्लेलिस्ट में लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से जा करके जो है इनसे आप रिवाइज कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन. सो वैदिक सिस्टम, वैदिक काल में जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या था? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव. शिक्षा का उद्देश्य वैदिक काल में ये सारा कुछ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इन विच एजुकेशन सिस्टम द स्टूडेंट वॉज टर्म्ड एज श्रमण. तो श्रमण को जो पुपिल होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, विद्यार्थी होते थे, उनको श्रमण कौन से एजुकेशन प्रणाली के तहत कहते थे, कौन से शिक्षा प्रणाली के तहत कहते थे? सो वैदिक एजुकेशन सिस्टम, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, जैन एजुकेशन सिस्टम या फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम. तो इसका आंसर जो है वो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशन सिस्टम पुपिल वॉज टर्म्ड एज ब्रह्मचारी. तो आपने देखा कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम, इस्लामिक ऑप्शन वही हैं, तो आपने देखा कि बुद्धिस्ट काल में जो है क्या कहते थे, श्रमण कहते थे, और वैदिक काल में जो है स्टूडेंट को ब्रह्मचारी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ टीचर, टीचर को जो है क्या उपाधि दी गई थी, गुरु को क्या उपाधि दी गई थी वैदिक काल में? गुरु कहते थे, आचार्य कहते थे, आर्य कहते थे या ब्रह्म कहते थे? तो आंसर यहाँ पे है आचार्य. आचार्य एक उपाधि है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप गुरु से कंफ्यूज नहीं होना है, गुरु जो है एक जनरल टर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ ग्रेट एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, द नेम ऑफ ग्रेट एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वॉज. सो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी जो कि काफी फेमस थी, तो उसका नाम क्या था? धर्मार्थ, बुद्धा, धर्म या फिर धर्मगंज. तो यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन सारे आपको सिमिलर लग सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम याद रखिए धर्मगंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग अल्फाबेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज कॉल्ड विद्या आरंभ. विद्या आरंभ करते थे जब पहली बार बच्चा जो है अल्फाबेट सीखता था, कौन से एजुकेशन सिस्टम में? अगेन वैदिक, इस्लामिक, जैनिक या जैनिज्म या फिर बुद्धिस्ट. सो द आंसर इज वैदिक एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल एडमिशन सेरेमनी इन स्कूल वॉज कॉल्ड उपनयन. उपनयन संस्कार जो है कौन से एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा था? तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ टीचर इन बुद्धिस्ट पीरियड. तो आप देखेंगे मॉन्क, आचार्य, भिक्षु या फिर ब्रह्म. आचार्य किस पीरियड में कहते थे? आचार्य कहते थे वैदिक एजुकेशन पीरियड, और बुद्धिस्ट में कहते थे मॉन्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड हु वर नॉट अलाउड फॉर एंट्री इन संघ फॉर एजुकेशन, सोल्जर्स, फीमेल, रॉयल प्रिंस या फिर पुअर स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है सोल्जर्स. तो यानी कि जो हमने देखा था बुद्धिस्ट काल जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था सोल्जर हो गए या फिर किसी को कोई डिजीज है या फिर स्लेव्स, दास वगैरह जो थे उनको एंट्री अलाउड नहीं थी,
हालांकि फीमेल्स को भी इनिशियली एंट्री अलाउड नहीं थी, लेकिन जो बुद्ध के एक शिष्य थे, फेमस शिष्य आनंद जी के कहने पर जो है फीमेल्स की एंट्री अलाउड थी, उनको जो है श्रमनेरी कहते थे, और उनकी एंट्री जो है लेटर अलाउड कर दी गई थी संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल एडमिशन सेरेमनी बिफोर स्कूल वॉज कॉल्ड पब्जा। पब्जा संस्कार किस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट था? तो ऑप्शन सेम ही है, आंसर है यहाँ पे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड किंग्स किड्स वर मेड टू स्टडी अ चिल्ड्रन बुक। एक चिल्ड्रन बुक जिसको बच्चों को पढ़ना होता था, मनोहर पोथी, बुद्ध पोथी, सिद्धरस्तु या फिर पंचतंत्र, तो इसका नाम था सिद्धरस्तु। इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बुद्धिस्ट पीरियड वाला जो है वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड उप संपदा एजुकेशन वॉज गिवेन टू दोज हु वॉन्टेड टू बी मॉन्क और नन, चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, फीमेल मॉन्क्स ओनली या फिर मासेस को यानी कि जनसाधारण को। सो उप संपदा संस्कार जो है केवल उन मॉन्क या नन को यानी भिक्षु या भिक्षुणियों को दिया जाता था जो कि लाइफ टाइम के लिए जो है मॉन्क या नन बनना चाहते थे। व्हाट वाज द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड में एजुकेशन का जो है माध्यम क्या था? तो वैदिक पीरियड में एजुकेशन का माध्यम संस्कृत था। नेक्स्ट, इन एंशियंट इंडिया रिलीजन एंड मॉरल एम्स वर डोमिनेटेड बाय ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्षत्रिय सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ब्राह्मणिक देखेंगे आप, ब्राह्मण्स जो थे वो एजुकेशन सिस्टम को जनरली रन करते थे, और क्षत्रिय भी बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि अलग अलग तरीके का जो है राज्य का कार्य वगैरह जो है वो सब भी, युद्ध सीखना, ये सब भी जो है एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय कौटिल्य? कौटिल्य जो है कौटिल्य जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, तो इनमें से कौन से बुक्स हैं जिनको कौटिल्य ने लिखे हैं? अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, मेघदूतम या फिर बोथ वन एंड टू। यहाँ पे जो आंसर है बोथ वन एंड टू। मेघदूत आपको पता होगा, मेघदूतम लिखा था कालिदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास? तो कालिदास ने काफी सारे बुक लिखे थे, मेघदूत जैसे हमने डिस्कस किया अभी, वैसे ही इसमें से कौन सा बुक है जिनको कालिदास जी ने नहीं लिखा था? कुमार संभवम, विक्रम उर्वशी, अष्टध्यायी या फिर बोथ टू एंड थ्री। तो यहाँ पे जो है आंसर है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी लिखा था पाणिनि ने, उसके अलावा जो है बाकी कुमार संभवम, विक्रम उर्वशी, ये दोनों भी कालिदास जी की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला वॉज कैपिटल ऑफ विच एंशियंट महाजनपद? पुराने काल में आपको पता होगा प्रोविंसेस जो है महाजनपद कहते थे, डिवाइडेड थे, तो बेसिकली आप स्टेट समझ लीजिए, छोटे छोटे महाजनपद हुआ करते थे। तो तक्षशिला जो है किसकी राजधानी थी? आंसर इज गांधार। गांधार की राजधानी जो थी तक्षशिला थी, और तक्षशिला को जो है हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो आपने जो है ये चीजें रिवाइज करनी है, ये चीजें ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि तक्षशिला से जो है क्वेश्चन आया भी हुआ है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये सारी यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, सबकी आइडियोलॉजीज और सबका जो लोकेशन है ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल, राजा जनक, राजा भोज या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे आंसर है राजा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालाभी वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग इन विच रिलीजियस फिलोसफी? सो वालाभी जैसे कि वेस्टर्न में था, तो आप देख सकते हैं वालाभी जो है वहाँ पे कौन सी फिलोसफी पढ़ाई जाती थी। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर वैदिक फिलोसफी। तो आंसर है हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पे जो है बुद्धिज्म के सेक्ट का जो है डिविजन हुआ था, तो वालाभी ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ श्वेतांबर एज अ सेपरेट सेक्ट ऑफ जैनिज्म वॉज रिजल्टेड एट विच प्लेस? तो हमने ऑलरेडी ये चीज देख लिया है,
वाला भी इसका आंसर है, श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म जो है यहाँ पे स्थापना हुई थी। तो ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आपको याद से अपने जो स्कोर है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे MCQ सीरीज हम आपके लिए और भी ला सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।